मेडिकल फील्ड में अगर आप करियर बनाना चाहते हैं तो थोड़ा सा आपको नए नियमों से गुजरना पड़ेगा। यानी कि अगर आप बीएससी नर्सिंग करना चाहते हैं तो इसके लिए रूल्स चेंज कर दिए गए हैं। नए रूल्स 2023 आपको बता रहा हूँ। अब जो भी भाई बहन नर्सिंग में एडमिशन लेगा, चाहे वो गवर्नमेंट कॉलेज हो, चाहे वो प्राइवेट कॉलेज हो, और चाहे वो पीपीपी मोड का कॉलेज हो, इसके लिए सिस्टम अब एक ही रहने वाला है। अभी तक सिस्टम अलग अलग हुआ करते थे। तो चलिए इस वीडियो में पूरी जानकारी आपको देता हूँ। स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल कंपटीशन बॉस पर। मैं हूँ आपका दोस्त नितेश। हम बात कर रहे हैं बीएससी में एडमिशन या फिर नर्सिंग में एडमिशन के बारे में 2023 में। तो यहाँ पहले क्या हो रहा था कि गवर्नमेंट कॉलेज के लिए अलग से एग्जाम होता था, प्राइवेट कॉलेज अपने हिसाब से करते थे, और पीपीपी मोड पे अपने हिसाब से नर्सिंग में एडमिशन हो जाता था। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब यहाँ बात कर रहे हैं हम झारखंड स्टेट की। झारखंड ने JCECEB यानी कि झारखंड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगी परीक्षा परिषद की ओर से एक प्रवेश परीक्षा करवाई जाएगी, और इस प्रवेश परीक्षा को पास करने के बाद ही आपका एडमिशन होगा। लेकिन इसको भी तीन भागों में बांटा है। तो जो गवर्नमेंट कॉलेज थे उसकी 100% सीटों पर एडमिशन JCECEB की जो एंट्रेंस एग्जाम है उसको क्लियर करने के बाद ही होगा। बाकी जो पीपीपी मोड के कॉलेज हैं या निजी कॉलेज हैं उनमें से 50% सीटों पर तो काउंसलिंग होगी JCECEB की ओर से, ठीक है ना, झारखंड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगी परीक्षा परिषद की ओर से। और बाकी जो 50% सीटें होंगी वो मुक्त सीटें होंगी या फिर प्रबंधन सीटें भी आप लोगों को मान सकते हैं। इस तरीके से इन पर एडमिशन होगा। यानी कि 50% तो अभी भी आपके पास ऐसा लेवल है जहां आप एडमिशन ले सकते हो बिना किसी एग्जाम के पैसे वैसे दे करके, क्योंकि नर्सिंग में इतने दलाल घूम रहे हैं आपको नर्सिंग करवाने वाले, बहुत एमपी में तो भरे पड़े हैं। तो ये आपको एक बार देख लेना चाहिए। लेकिन इसके लिए आपको एक बात ध्यान रखनी पड़ेगी कि इसमें न्यूनतम अंक की अहर्ता लागू कर दी गई है। अगर आप इससे कम लाएंगे, आप भले ही एससी के हों, एसटी के हों, किसी भी कैटेगरी से हों, लेकिन इससे कम पे आपका सिलेक्शन नहीं होगा। एक टाइम था जब एससी एसटी के आप होते थे तो आपको बहुत कम नंबर पे सिलेक्शन हो जाता था, लेकिन अब नहीं होगा। तो यहाँ जनरल को 40% तो लाने ही लाने होंगे। इसमें ओबीसी की बात करें तो 36.5% या 36.50% लाने पड़ेंगे, एमबीसी को 34% लाने पड़ेंगे, एससी एसटी और महिला को 32% लाने पड़ेंगे, आदिम जनजाति की बात करें तो 30% और ईडब्ल्यूएस को 40%। ये इसमें इससे कम पे सिलेक्शन नहीं होगा, ये आपको क्लियर रख लेना है। आप किसी भी कैटेगरी से होने वाले तो नए हिसाब से आपके एडमिशन होंगे बीएससी नर्सिंग में। वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर करें, चैनल पसंद आया सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा देंगे आप तो वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। आज के लिए इस वीडियो पर इतना ही, ऐसे किसी यूज़ वीडियो में फिर मिलूंगा। तब तक के लिए नमस्कार।